हेलो, वेलकम इन माय चैनल टेस्ट इजी किचन। आज मैंने बनाया है चिकन कौरमा विद खुशका। खुशका की वीडियो तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन आज मैंने चिकन कौरमा की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने कुकर चढ़ाया, इसमें डाला है तेल 2 टेबल स्पून, मस्टर्ड ऑयल और 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, और इसमें मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज डाले हैं जिनको ब्राउन करके हम पीसेंगे। तो इसलिए पहले हम इनको प्याज को ब्राउन करके निकाल लेंगे। हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, हम मिक्सी जार में डालेंगे डेसिकेटेड कॉर्नर 1 टेबल स्पून, और हमने डाला उसमें पॉपी सीड 1 टीस्पून, 1 टीस्पून डाला उसमें हमने मेलन सीड्स, और मखाने डाले हैं मैंने 1 हैंडफुल, और डाले हैं ब्राउन प्याज करके उसका पेस्ट बना लिया है। और अभी इसी तेल में हम सेम रिपीट करेंगे, खड़े मसाले हमने डाले हैं, चिकन को डाल के फ्राई करेंगे। उसके इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, ये कितना कितना क्या क्या डाला है। चिकन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। मैंने नमक डाल दिया है इसमें 1 टेबल स्पून, और अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और टमाटर का पेस्ट साथ में बनाया था 1 बॉक्स, तो ये हमने डाल दिया। 1 टमाटर यूज़ किया मैंने इसमें, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये डाला धनिया 2 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और डालें गरम मसाला 1/2 चम्मच। ये डाल के मिक्स करके अब हम इसको चिकन को अपने पकने रख देंगे 1 से 2 विसिल तक। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, और 2 विसिल बाद हम इसको फिर खोलेंगे। देखिए 2 विसिल हो गई, अब हम खोल रहे हैं चिकन को। चिकन हमारा भुनने लगा है, देखिए गल गया है, ये भुनने लगा है। अब हम इसमें अपना वो मसाला जो हमने रेडी किया वो डाल देंगे, ब्राउन प्याज का, पॉपी सीड, मेलन सीड का मसाला ही पूरा है हम उसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी भी मिला के उसमें डालेंगे हमें, और इसमें चिकन को अब हम कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि स्पाइसेस पूरे चिकन में आ जाएं, फ्लेवर उसका। ये डाल दिया हमने इसमें पूरा, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया मिला के, हम इसको ढककर 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही लो फ्लेम पर पकाएंगे। बीच बीच में देखते रहेंगे, देखिए भुनने लगा हमारा चिकन मसाले के साथ पूरा, तेल छोड़ने लगा है। अब इसमें डालेंगे 1/2 बाउल दही, दही को मैंने फेंट कर रखा हुआ था, 1/2 बाउल का मैंने इसमें डाला है, और लो फ्लेम पर डालेंगे, हिलाते रहेंगे कंटिन्यूस, दही हमारा फटना नहीं चाहिए। और फिर से हम इसको 2-4 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए कितना अच्छा चिकन हमारा भुन गया है, तेल छोड़ने लगा पूरा, और ये तैयार हो गया। हम इसको फ्रेश कोरिएंडर डाला है, ये डालने थोड़ा कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, हाथ से रब मल के, इससे उसकी स्मेल अच्छी आती है। और अभी हमारा कुकर तैयार हो गया, हम इसको अब प्लेट कर निकालेंगे, डिश में निकालेंगे। देखिए ये हमारा चिकन कौरमा तैयार हो गया, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। और ये मेरी खुशका की वीडियो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। अभी तो मैंने चिकन कौरमा की ही वीडियो बनाया, थोड़ा जल्दी में थी, तो ये मेरा चिकन कौरमा है। चलिए अब आप भी मेरे मेथड से चिकन कौरमा बनाइए, बहुत ईजी मेथड है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। तो बना के फिर देखिए, खाइए कैसा लगा, और फिर मुझे बताइए कमेंट्स में मेरी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलूंगी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।